आज की हमारी जो क्लास है वो सेमीकंडक्टर से संबंधित है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाना है। डियर स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर जो होता है उसको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रखा गया है। वो कभी कंडक्टर का रोल करते हैं, कभी इंसुलेटर का रोल करते हैं, कंडीशन अप्लाई होती है, इसलिए उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, यानी कि अर्धचालक। तो देखो, सेमीकंडक्टर जो होंगे तो ये एक डायग्राम समझ लो कि हमने एक कोई सेमीकंडक्टर ले लिया है और उस सेमीकंडक्टर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। सेमीकंडक्टर जो है उसकी लेंथ है L, और जैसे हमने बैटरी लगाई उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया E, और इसके अंदर से करंट चलना शुरू हो गया। तो देखो, हमने ये स्टडी की हुई है कि जो चार्ज कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होल्स होते हैं, जो वैकेंट सीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। तो मैंने जो ब्लू कलर से दिखाए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, और जो रेड कलर से दिखाए हैं वो होल्स हैं। होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो अब देखो, ध्यान दो, यहाँ से जो करंट चलेगा बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से करंट चलता हुआ दिखाओ हमेशा, तो होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको इधर लेके जाएगा, और इधर लेके जाएगा तो क्यों लेके जाएगा, देखो, क्योंकि ये जो बैटरी का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो पॉजिटिव वाला है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो, आपने ये तो सुन रखा है कि करंट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एसी डीसी। आज हम इनसे थोड़ी सी और अलग बात करते हैं। करंट दो प्रकार के और भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और कॉन्वेंशनल करंट। कॉन्वेंशनल करंट कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव होल्स की वजह से बनते हो, कॉन्वेंशनल करंट जो होल्स की वजह से बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेंगे, ठीक है, बात होगी। यहाँ पे हमने इस एसी डीसी का कोई बाद में बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो करंट इनकी वजह से जो बना है उस करंट को हम नाम देंगे IH। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बना है उसको हम नाम देंगे IE। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट, ठीक है। कॉन्वेंशनल करंट जो होता है वो होल्स की डायरेक्शन में ही होता है, देखो यूँ, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट में होता है वो जो करंट की डायरेक्शन है उसके उल्टा होता है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो इधर आ रहा है और जो मेन करंट है वो इधर जाता है, इनकी डायरेक्शन उल्टी होती है। इसकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम जो करंट की है, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। जैसे कई बार हमने देखा होगा, हम सड़क के ऊपर साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो आप नीचे सड़क के ऊपर देखो तो आपको जो है ना वो सड़क पीछे भागती हुई दिखाई देगी और साइकिल जो आगे चलते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे ही होते हैं, ये इधर जा रहे होते हैं, ये इधर आ रहे होते हैं, टोटल करंट इनकी वजह से होते हैं, ठीक। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख दी ये वाली, यहाँ तक। इस आर्टिकल के अंदर जो हमारी पहली यूनिट है उसके सारे फार्मूले दोहराई हो जाएगी इसमें। तो ये जो बात हमने जो डायग्राम बनाया उसी को यहीं पर सजाया गया है। कंसिडर एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, बिल्कुल सही बात है ये भी, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और जैसे ही बैटरी को हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ है सेमी कंडक्टर के अंदर उसको दिया जाता है इस फार्मूले से, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, जो बैटरी की जो पोटेंशियल है उसको इसकी लेंथ से भाग कर दो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन फार्मूले होते हैं। तीन फार्मूले कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये चार्ज केस में होता है, एक होता है ई इज इक्वल टू वी बाई एल, और एक होता है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने ये वाला फार्मूला लिया है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ए से बी, यहाँ तक भी हमारा प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स ड्रिफ्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंस्टिट्यूट द होल करंट, जो होल की वजह से जो करंट बनेगा उसको हम बोलते हैं आई एच। अब अपने जो पहली यूनिट में जितने फार्मूले याद कर रखे हैं उनको लिखेंगे। देखो, वी नो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, ये हम सभी के याद कर रखे हैं हमने। उसके बाद ओम्स लॉ भी हमारे याद है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R का मान कितना हो गया, V बटे I, समझ गए होगे मेरी बात, V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू V बटे I हो जाएगा, ठीक है।
ठीक वही बात है जो हमने लिख रखी है। अब यहाँ से देखो ये चीज़ भी आर के बराबर, ये दोनों आर आर हैं, ये भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें ये भी बराबर हैं। मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है वी बटे आई इज इक्वल टू दिस, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला होता है वो जो हमने पढ़ा रखा है आपको, वी वाई एल किसके बराबर होता है, ई का, ई के बराबर जो हमने ऊपर देखा हुआ है। एंड हियर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये कई बार हमने इसको प्रूव कर करके दिखा रखा है, ठीक है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फार्मूला होता था खाली इलेक्ट्रॉन केस के अंदर, लेकिन अब तो मेरे पास चार्ज कैरियर दो हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, दोनों के हिसाब से लिखवाओ। दोनों के हिसाब से हम लिखेंगे इस फार्मूले को, तो ये बनेगा देखो, इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख दूँ, ए को आगे ले लूँ, ई को भी आगे ले लूँ, एन और वी डी अलग अलग कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, होल्स पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी सेम है, लेकिन इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन एच वी एच, इलेक्ट्रॉन केस में क्या लिखे, एन ई वी ई, देखो सामने यही काम कर रखा है, ए और ई तो था ही, यहाँ पे मैंने बना दिया एन एच वी एच जमा एन ई वी ई, ये मेरी आई का मान भी आ गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, इक्वेशन नंबर थर्ड है ये वाली, देखो आर इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर थर्ड है, थर्ड नहीं फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ है ये, बी बटे आई जो अभी अभी हमने दोनों को बराबर करके लिखी थी वो इसके बराबर है। तो देखो हमने पढ़नी है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की उल्टी। तो पहले रेजिस्टिविटी निकालना, फिर उन्होंने उल्टी कर देना, तो रेजिस्टिविटी तुम्हारी इस फार्मूले में ये रही। तो यहाँ से नो बताओ आर रो का मान कितना होगा, तो कहोगे सर इनकी तिरछी गुणा करो, वी ए बटे एल आई, देखो ये मैंने लिख दिया ये वी ए बटे एल आई, ठीक। अब ये बताओ वी वाई एल किसके बराबर है, वी वाई एल तो अपना ई के बराबर है, ये रहा देखो वी वाई एल तो ई के बराबर, इसके जगह तो मैंने ई रख दिया, ए मेरा ऐसे कैसे है, आई का मान जो हमने निकाला इतनी मेहनत करके वो ये है ए ई एन एच वी एच एन ई म्यू ई, लिख दिया, ठीक। अब देखो यहाँ से ए भी कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, अब बच गया मेरे पास रो का जो मान आया है वो है ये बटे ये, इस बात को मैंने ऊपर लिखा है ये रहा, रो इज इक्वल टू ई बटे दिस, और हमने क्या आ गई है रजिस्टिविटी निकालनी, क्या थी हमने कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी की उल्टी होती है, इसको हमने उल्टा कर दिया, तो ई ऊपर आ गया, ये सारी चीज़ नीचे आ गई। अब देखो जो ई जो है ना, ये ई इन दोनों के बटे है, इसके बटे भी है इसके बटे भी है, मैंने दोनों को नारा नारा कर दिया, क्यों कर दिया नारा, क्योंकि यहाँ पे हम एक फिजिकल क्वांटिटी और आओगी वो पढ़ी हुई हमने, मोबिलिटी ऑफ द करंट कैरियर, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग कर दिया जाए तो क्या बनती है वो मोबिलिटी। तो लेकिन हमारे पास चार्ज कैरियर कितने हैं, दो, होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो वी एच ई, ये आगे देखो वी एच बटे ई किसके बराबर बनेगी, म्यू एच, यहाँ स्पेशल लगा दूँ म्यू एच, ये होगी वी ई बटे ई, ये किसके बराबर बन जाएगी म्यू ई के लिए, तो यहाँ पे होगा ये वाला, दोनों मान लिख दिए, ये हमारा पर्सन होगा। अब इसके दो स्पेशल छोटे छोटे केस देख लो, कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो तो पी टाइप में मेजोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, होल्स की, यानी कि एन एच इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन एन ई, तो उस समय एन ई इतने कम पड़ जाएंगे उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इस पर्सन के अंदर हमने एन ई को नेगलेक्ट कर दिया, तो पर्सन किस में बदल गया, क्या बच गया, ई एन एच म्यू एच। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करोगे, एन टाइप में किसकी मेजोरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो एन एच को नेगलेक्ट कर देंगे, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ई इंटू दिस, ई इंटू दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तीन नंबर का इंपॉर्टेंट पर्सन है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालना, इसको तैयार करो, नोट्स बनाओ। स्टूडेंट्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है, व्हाट इज पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझाना है हमने, और डिप्लेशन लेयर क्या होती है, ये जो जंक्शन के नज़दीक बनती है, और डिप्लेशन लेयर के साथ क्या घटना घटती है जब जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो रिवर्स बाइस हो। ये जो पर्सन है हमारी 9वीं यूनिट का बेसिक पर्सन है, ये पर्सन समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा,
लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है? देखो, जंक्शन का मतलब ऐसा स्थान जहाँ दो चीज़ें मिलती हो जाके। ठीक है, जैसे एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप के पास लेके आया जाता है तो एक ऐसी अरेंजमेंट बनती है जिसको हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पी वाला एरिया था, ये एन वाला एरिया था, जो बीच वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जंक्शन। इधर पी है, इधर एन है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच ए पी टाइप सेमी कंडक्टर इज ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट विद ए एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, डेफिनेशन होगी। उसके बाद आता है कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है। डिप्लीशन लेयर का मतलब दूसरे शब्दों में होती है चार्ज फ्री लेयर। चार्ज फ्री लेयर यानी कि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होती। अब देखते हैं ये कैसे कब बनती है। तो देखो, जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है ना, इसमें मेजोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? होल्स की, जिसको हमने लाल रंग से दिखाया है। और माइनॉरिटी में कौन होती है? ये वाले होती हैं। ठीक है, इसको ये मान के चलो कि जो पी टाइप एक कंट्री है, ये इसके अंदर मेजोरिटी है किसी एक विशेष धर्म की और माइनॉरिटी में है कोई दूसरा धर्म है। इसी तरह एन टाइप के अंदर मेजोरिटी है इस धर्म की यानी कि इनकी, और माइनॉरिटी में ये वाले। माइनॉरिटी समझ गए ना, जिनकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक टाइप का। तो जैसे अब इनकी कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा, जब इनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा है तो इनका एक ऐटोमेटिक ये ज़्यादा से कम वाले की तरफ जाते हैं। जैसे देखो, ज़्यादा कौन है? होल्स हैं, तो होल तो जाएंगे उधर और इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। ठीक है, अब सुनो, जब जैसे ही इनकी क्रॉसिंग हो रही होती होगी, जब ये आ जा रहे होंगे, तो उस समय एक होल की मुलाकात किसके साथ होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि होल को तो उधर जाना है कम वाले की तरफ, इनको इधर आना है, इधर कम है इनकी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन और होल मिलके आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बीच में एक ऐसी लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे खाली एटम्स होते हैं। तो इसको ही हमने लिखा है यहाँ पे, देखो सारी बातें वही है। वी नो इन द पी सेक्शन, पी सेक्शन का ओरिजिन को होल्स आर इन द मेजोरिटी। एन सेक्शन के अंदर कौन है मेजोरिटी के अंदर? देखो उधर जो नीले रंग से लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मेजोरिटी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यहाँ पे मतलब होगा मात्रा। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, इनको हम चार्ज कैरियर भी बोल देते हैं, इन टू सेक्शंस होल्स, यहाँ पे ध्यान दो, होल्स फ्रॉम द पी सेक्शन डिफ्यूज इन टू एन रीजन। पी सेक्शन के होल जो हैं वो उधर जाके डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे कहीं पे कोई हम धुआं कर दे और वो धुआं कुछ समय बाद वो अपनी एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम डिफ्यूज वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि होल का मतलब होता है वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन सेक्शन डिफ्यूज इन टू द पी सेक्शन। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। अब देखो, इन बोथ द केसेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट्स ए होल द टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए थिन लेयर इज एट द जंक्शन बिकम्स डिवाइड। डिवाइड को मतलब खाली, डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर्स, वहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस थिन लेयर जो बनी है, देखो ये वाली बन गई, इसके अंदर एक भी चार्ज नहीं। जो मैंने ब्लैक डॉटेड दिखाई है, ये सारे के सारे एटम हैं, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, फ्री होल थे, वो सारे के सारे आपस में डिफ्यूज हो गए, कैंसिल हो गए। ये खाली जो हैं एटम्स पड़े हैं। जैसे ऐसे मैंने कल भी शायद समझाने की कोशिश करी थी कि जैसे ये जो पेन है मेरा, ऐसे देख लो कि जैसे ये वाला जो पेन है ये इधर आएगा, ये वाला पेन इधर जाएगा, तो जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो ये वाला इसको कैंसिल कर दे, तो खाली ये पड़े रहेंगे इसमें। ठीक है, चार्ज तो इनके आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो खाली इनकी संख्या होती है। और जो लेयर बन गई, इस लेयर का नाम क्या होगा? चार्ज फ्री लेयर। और उसको दूसरे शब्दों में अलग नाम क्या है उसका? डिप्लीशन लेयर। मेरे ख्याल से समझ में आ गई सारी बात। ये सारी चीज़ लिख रखी है।
डायग्राम भी मैंने दिखा भी रखी है। अब देखो आगे थोड़ी सी स्टोरी चेंज होती है। ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द टू सेक्शंस ऑफ द जंक्शन डायोड नो लॉन्गर रिमेन्स न्यूट्रल। जैसे अब ये जो है यहाँ पे हम सोचेंगे भी न्यूट्रल होगी, कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद क्या होती है, यहाँ पे एक काल्पनिक बैटरी बन जाती है। एक यहाँ पे जो इधर वाला सेक्शन एन सेक्शन, इधर कौन आए बताओ, होल्स आए हैं, तो एक काल्पनिक बैटरी बन जाएगी। होल्स पर चार्ज पॉजिटिव होता था, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव आएगा। तो एक फिक्टिटियस बैटरी, फिक्टिटियस बैटरी का मतलब है एक काल्पनिक बैटरी बन गई, यानी कि एक खाम खां की बैटरी बन गई। और जो बैटरी है वो नो लॉन्गर रिमेन्स न्यूट्रल, दी पी सेक्शन बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव एंड एन सेक्शन बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव। जो एन सेक्शन है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो गया है, और ये कैसा हो गया, स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये एन वाला सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई डेफिनेशन करूँगा पोटेंशियल बैरियर की, यानी कि ऊपर एक जो बैटरी बन गई, जो खाम खां की बैटरी बन गई, वो इनकी फर्दर आयाजाई को बंद कर देगी, रोक देगी। देखो कैसे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इसको रिपेल कर देगा, इनकी फर्दर आयाजाई बंद कर दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ले लो पोटेंशियल बैरियर की। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। बैरियर नाम तो सुना होगा ना, पुलिस ने बैरियर लगा दियो, यानी कि वहाँ पे गाड़ियों को रोक रहे हैं, बैरियर लगा के वे जाली जाली सी लगा दे ताकि अगर कोई गाड़ी जाए ना, तो ये एक जाली सी एक बैरियर लगा दियो। इट अपोजिज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, ये इनको नहीं आने जाने देती है। लेकिन अभी हम इनको फिर भी चाहते हैं ये उधर जाएँ ये इधर जाएँ, इसको ये बेशक लगी रहो, तो अब हमें एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी। और जो एक्सटर्नल बैटरी जो लगेगी, ये होगी हमारी डिप्लीशन लेयर, ये है हमारा पी सेक्शन, ये एन सेक्शन, ये लेयर है, यहाँ पे वो ऊपर पोटेंशियल बैरियर बैठा है, वीबी कह दो उसको। लेकिन हम इनकी आयाजाई फिर शुरू करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि होल्स फिर उधर जाएं और इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर आएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ में हमें एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी। देखो ये लगा दी एक्सटर्नल बैटरी, और वो एक्सटर्नल जब बैटरी लगाएंगे तो ऐसे लगाएं, देखो इस पी टाइप के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस, और जब नेगेटिव हो इधर तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस, ठीक है। बैटरी का कनेक्शन के हिसाब से हमने नाम दे दिया फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस। अब सुन लो काम की बात, इसी में थोड़ा और पूछा है। आल्सो एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू दिस लेयर व्हेन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये इनको और धक्का लगाएगा, तो जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसे हो जाएगी, जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो थिन हो जाएगी, थिन हो जाएगी या वीक हो जाएगी, वीकन। और जब रिवर्स बाइस करेंगे तो ये हमारी जो डिप्लीशन लेयर है और फैल जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। तो रिवर्स बाइस के अंदर डिप्लीशन लेयर कैसे हो जाएगी, स्ट्रेंथ और यानी कि थिक, मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न था, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसके अच्छी तरह नोट्स बनाओ, बहुत ही अच्छी कहीं से मैंने इसको ढूंढ के तुम्हारे लिए लिखा है, पूरी चीज़ लिखी है। तो इस प्रश्न में ये बच गया था हमारा कि फॉरवर्ड बाइस हो तो डिप्लीशन लेयर का साइज कैसा होगा। तो डिप्लीशन लेयर ये वाली होती है, ये बहुत ही पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, देखो पी विद पी, पॉजिटिव का पी, जब पी सेक्शन के साथ जब बैटरी का पॉजिटिव जुड़ रहा तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस। इसका साइज होगा थिन, एक नंबर मात्र है। और रिवर्स बाइस में क्या होगा, रिवर्स बाइस के अंदर देखो कनेक्शन, देखो बैटरी कनेक्शन उल्टा कर दिया, जो नेगेटिव वाला होता था हमने इधर कर दिया, पॉजिटिव उधर कर दिया। अब इसमें पी विद एन, समझ में आ गई। और यहाँ पे देखो इसका साइज जो है वो थिक हो गया, बड़ी होगी डिप्लीशन लेयर, डी लेयर बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले यहाँ पे होल्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचेंगे यूँ, तो इसका साइज ये इसको इधर खींचेंगे, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इसका साइज थोड़ा थिक हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको ऐसे यूँ दबाती यूँ,
तो डिप्लीशन लेयर का साइज कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इसी में जोड़ लो इसने भी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो फोर्ड बाइस रिवर्स बाइस संबंधित है। ये हमारे हरियाणा बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम अच्छी तरह सीखेंगे। तो देखो, सेमीकंडक्टर से हम स्टार्टिंग करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की श्रेणी में रखा गया है, इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये कभी कंडक्टर का रोल करते हैं, कभी इंसुलेटर का रोल करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हम बांटते हैं तो ये दो प्रकार से होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रेंजिक, और जो इम्प्योर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रेंजिक, ठीक है। प्योर में आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, और जब इनके अंदर हम ग्रुप 13 ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं तो ग्रुप 13 की जो मिलाई जाएगी, ग्रुप 13 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ग्रुप 15 होते हैं उनके अंदर 5 होते हैं। जब इनमें से किसी भी एक के अंदर 13 या 15 को मिलाया जाएगा, और इनके अंदर 4 होते हैं, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, लेकिन इनके अंदर हम जो मिलावट कर रहे हैं वो 3 की और 5 की कर रहे हैं। जब 3 वाले करोगे, जब किसी 4 के अंदर, 4 वाले के अंदर जब 3 की मिलावट करोगे, ये वाली 1 2 3, तो ये तो खाली रह जाएगी। जो खाली सीट होती है उसको हम होल बोलते हैं। होल, होल एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट होता है। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इट इज़ द वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की खाली कुर्सी है। वैसे आना तो यह इलेक्ट्रॉन से ही था लेकिन उसकी कुर्सी खाली होगी, इसको होल बोलते हैं। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब इसकी करेंगे ग्रुप 15 वाले की, तो इनमें तो 4 ही होते हैं, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए इसको हम बोल देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो मिलावट होगी कि नहीं होगी भाई, इनके अंदर हमने इनकी मिलावट कर दी, मिलावट कर दी तो वो इम्प्योर हो गए, और इम्प्योर वाले क्या बोलते हैं एक्सट्रेंजिक। तो अब पूरी जो स्टोरी चलेगी ना वो पी टाइप और एन टाइप से चलती है। जब पी को और एन को दोनों को मिला के 570 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो एक नई चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन, ठीक है। और पी एन जंक्शन जो बनाया हमने, ये इसके अंदर पी एन जंक्शन कहो जी, पी एन डायोड कहो, ये तो मैं हटा रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया, ये तो भूमिका थी सारी, और सारी स्टोरी जो है शुरू होगी पी एन जंक्शन से। तो पी वाला जो होता है उसको ऐसे लिख देते हैं हम पी, ये बीच की लाइन है, जंक्शन की लाइन है, जैसे रेवाड़ी जंक्शन, इसी तरह ये पी वाली होगी, एन वाली होगी, दोनों को मिला के 570 डिग्री के ऊपर डिफ्यूज़ कर रखे हैं, और एक नई एक चीज़ बनेगी जिसको पी एन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पी एन जंक्शन कहो, पी एन डायोड कहो, एक ही बात है। अब देखो, जो पी थे ना, पी वाले, पी के अंदर किसकी मेजोरिटी होती है? होल्स की। और एन में किसकी मेजोरिटी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स को सॉलिड डॉट से दिखा रहे हैं हम, और इधर ये कम है। देखो इनकी संख्या मैंने 3 दिखाई है, इधर इन इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो सॉलिड डॉट है वो इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा दिखाई है। होल्स इनमें भी दिखा दो, 3 होल दिखा दिए। अब नियम है ये कि वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ चलते हैं। जैसे देखो इधर होल्स ज़्यादा हैं तो ये इधर आएंगे, और जैसे ये इधर आने शुरू होंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लाइन डेवलप हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी इधर ही है, उधर जाएंगे तो इधर यहाँ पे एक माइनस की पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ऊपर जो नई चीज़ बनेगी, एक नई पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, बैरियर को मतलब बाधा। और अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव बनेगी, ये नेगेटिव बनेगी, अब इनका आना जाना बंद हो गया है, इनकी फर्दर मूवमेंट बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक चौकीदार बैठ गया, ठीक है। वो चौकीदार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक होल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज इतना, और इसका बैरियर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना बड़ा, तो इसको रिपेल कर देता है और ये इसको इधर नहीं आने देता है। इसी तरह ही इधर आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो ये चार्ज है, और इसका बैरियर का जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाला है,
बड़ा वाला है, तो ये नेगेटिव इस छोटे वाले नेगेटिव क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। अब इनकी फर्दर मूवमेंट बंद होगी, अब ये कहीं नहीं आ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने एक काम करना है कि इनकी फर्दर आया जाई शुरू करनी है, तो फर्दर आया जाई शुरू होगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बैटरी लगाता हूँ, एक्सटर्नल बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या काम होगा, देखो ये पॉजिटिव वाला इन पॉजिटिव को पुश करेगा इधर, और इनको पुश करेगा तो ये वाला इसको नहीं रोक पाएगा। इसी तरह ये नेगेटिव आ गया, बाहर से लगाई है, बाहर से आर्मी बुलाई हमने, ये इनको यहाँ तक पुश करेगी तो ये कुछ नहीं कहेगा, तो अब इनका आना जाना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जो बैटरी लगाई है ना, ये बैटरी जो लगाने की मेरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं बाइसिंग, और ये दो प्रकार की होती है, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, ठीक। रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस कैसी होगी वो देखो, जब यहाँ पे ये चलेंगे तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी लेयर बन जाती है, ठीक है। इस लेयर के अंदर खाली ये मिलेंगे, कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, तो उस लेयर का नाम होता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का दूसरा नाम है चार्ज फ्री लेयर, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। ये मैंने थोड़ी भूमिका बनाई है आपको बताने के लिए। और जब बैटरी का पॉजिटिव इस पी के साथ जुड़ जाए तो इनको धकेलेगा, तो डिप्लीशन जो लेयर है ना इसका साइज छोटा हो जाता है, छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और करंट इसमें से अच्छी तरह चला जाएगा। जब इसके हम कनेक्शन उल्टे कर देंगे, उल्टे का मतलब यहाँ पे जब हम नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव दिन पॉजिटिव खींचेगा, तो डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है। तो उस समय वो किस चीज़ का रोल करता है, इंसुलेटर का। रिवर्स बाइस में इंसुलेटर का, और फॉरवर्ड बाइस में किसका करता है, कंडक्टर का। तो ये मैं इसका सातवां पॉइंट भी बनाऊंगा, इसमें किस चीज़ का रोल करता है, कंडक्टर का, और इसके अंदर करता है सातवां पॉइंट है इंसुलेटर का। तो अब इस पर्सन को हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई हो, पुरानी जानकारी थी सारी, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आपको याद करने आ गए होंगे, वही बैंगन आलू गाजरी इंथेला, ग्रुप 15 नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये सब हमने अच्छी तरह तैयार कर रखे हैं। ये तीसरा पॉइंट है दो, ठीक। तो ये इनकी डेफिनेशन मैं समझाऊंगा एक मिनट बाद, पहले इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दो। तो डायग्राम के ऊपर ध्यान देते हैं, देखो वही पी टाइप, वही एन टाइप, बीच के अंदर ये लेयर है, इसमें रेड जो रेड कलर से मैंने दिखाए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ब्लू कलर से दिखाए हैं वो सारे होल्स हैं, और इनके अंदर ब्लू के साथ भी मैंने एक काली डॉट लगाई है, देखो ये वाली, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ मैंने इनके सब के साथ नीली डॉट लगाई है, नीली डॉट का मतलब फ्री होल्स हैं, ठीक है। फ्री होल्स क्या होते हैं ये और समझ लो, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाले को मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ठीक है। ये पूरा जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ब्लू वाला ये मैंने क्या लिखा, होल्स लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्री, ये सारे के सारे मूव नहीं करेंगे, जो फ्री वाले होते हैं ना वही मूव करते हैं। तो जैसे जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये सारे के सारे, ये जो छोटी डॉट दिखाई ना यही भागती हैं। जैसे अब देखो इनका पेन का जो कवर है ये फ्री है, देखो कहाँ गया, ये गया, समझ में आ गई, ये तो वही रहते हैं। तो जब मैंने ये दिखाए ना रेड वाले, ये तो ये वाले, ये समझ लो ये पेन ये हो गया, ये वाला ये पेन हो गया। इनकी जो कैप्स थी, जो फ्री थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है, जिनको मैंने छोटी डॉट से बनाया है, ये छोटी डॉट समझ लो, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की है। तो एक नीले वाले के साथ मैंने ये काली दिखा रखी है, और लाल वाले के साथ मैंने ये नीली दिखा रखी है, यही भागा दौड़ी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की। बस ये डायग्राम समझ में आ गया, तब तो थोड़ा सा ही बच गया है। देखो अब आती है भाई पोटेंशियल बैरियर, समझगा, ये पोटेंशियल बैरियर है, यानी कि ऊपर एक चौकीदार बैठे, अब इनके आने जाने को रोकता है, लेकिन उस चौकीदार को हराने के लिए हमने आर्मी बुला दी, आर्मी जो है इनको अब धकेलेगी इधर उधर से, और ये वाली जो लेयर वो डिप्लीशन लेयर है। यहाँ पे देखो एक भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी मैंने छोटी डॉट नहीं लगा रखी। आओ अभी शुरू करते हैं पर्सन को, कंपेयर फॉरवर्ड बाइस। तो पहले फॉरवर्ड बाइस की डेफिनेशन देखो, द एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस द पी एन डायोड फॉर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल बैरियर। जो पोटेंशियल बैरियर है उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो ही तो करंट को आने जाने नहीं दे रहा है, टू कंस्टिट्यूट द इजी फ्लो ऑफ करंट थ्रो इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, समझ में आ गई। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन करवाओ।
द एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन फॉर स्ट्रेंथनिंग, यानी कि जो हमारा दुश्मन था ना उसी को और मजबूत कर देगा, भाई मत आने जाने देना, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल बैरियर एंड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रिवर्स बायस। समझ में आ गई दोनों डेफिनेशन, दोनों के डायग्राम देखो। इसका ये डायग्राम होगा सिंबल, देखो ये जो मैंने लिखा है ना पीएन जो बक्सा से बनाया है, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वाले को एक त्रिभुज से बना दो, एन वाले को एक लाइन से खींच दो, ये इसका सिंबल भी होता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसके अंदर देखो ये सिंबल है इसका, इसके साथ जो एक्सटर्नल बैटरी थी जो बाहर से हमने आर्मी बुलाई है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके कनेक्शन होंगे ऐसे और इसके कनेक्शन होंगे डियर स्टूडेंट ऐसे, यहाँ पे जो माइनस आएगा यानी कि नेगेटिव टर्मिनल आएगा, ये कनेक्शन होते हैं। उसके बाद देखो कनेक्शन, कनेक्शन को मैंने अच्छी तरह लिख दिया है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। ठीक है, इसी तरह उधर भी लिखवा दो, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन, पी रीजन लिखो टाइप लिखो एक ही बात है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप, ये बात भी आपके समझ में आ गई। उसके बाद आती है पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को फॉरवर्ड बायस क्या करती है, पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस को रिड्यूस करती है, कम करती है, ठीक है, जबी तो इनका फ्लो शुरू होगा। और ये क्या करती है, ये पोटेंशियल बैरियर को स्ट्रेंथ करती है, मजबूत करती है। ठीक, फॉरवर्ड करंट इसमें लार्ज होगा उसमें स्मॉल होगा और ना के बराबर ही होगा। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की हिंदी होगी चार्ज फ्री लेयर, देखो इस लेयर के अंदर एक भी चार्ज नहीं है, एक भी छोटी डॉट नहीं है, वो डिप्लीशन लेयर जो होगी वो पतली होगी, थिन होगी और उसके अंदर क्या होगी, स्मॉल होगी। उसके बाद देखो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर का रोल करता है और रिवर्स बायस के अंदर जो वो होता है वो किस चीज़ का रोल करता है, इंसुलेटर का। तो भाई ये जब पेपर में आवे पूछे कि व्हाट इज़ द फॉरवर्ड बायस, तो उसका ये पाँच छः पॉइंट लिख दियो, जितना भी पॉइंट से सारा का सारा डेफिनेशन बनाओ, सिंबल बनाओ, कनेक्शन बताओ, डिप्लीशन लेयर के साथ ये क्या करती है, छोटा करती है, पोटेंशियल बैरियर वो क्या करती है, कंडक्टर रोल करती है। अगर वो आ जाए दो नंबर में तो उसको लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन है बहुत ही आसानी। जैसे ऐसा कोई डायग्राम बना के दे देंगे कि विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस एंड विच आर द रिवर्स बायस, इनमें से कौन से फॉरवर्ड बायस है कौन से रिवर्स बायस है। ठीक है, इनको आपको थोड़े बड़े खतरनाक लग रहे होंगे कि जैसे ये हमारा पी है जो त्रिभुज सी है ना, जो त्रिभुज है ये पी टाइप है और एक जो डंडा है ये एन टाइप है। तो फॉरवर्ड बायस कब होती है, फॉरवर्ड बायस होती है जब पी के साथ पी हो, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल हो, यानी कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ हो, एन टाइप के साथ जुड़ा हो। ठीक है, ये एन टाइप लिख देता हूँ, ये पी टाइप लिख देता हूँ। और रिवर्स बायस कब होती है, रिवर्स बायस इसका उल्टा कर दो, जब पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ हो और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ हो। ठीक है, अभी आपने पीछे डायग्राम देखे होंगे ना, ऐसे हमने बना रखे थे, वो ऐसे जोड़ रखे थे यूँ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे यूँ करके, तो ये थी फॉरवर्ड बायस। और इसी को मैं ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे कर दूँ, यहाँ पे डायग्राम इसके उल्टे कर दूँ, तो देखो इस पी के साथ कौन जुड़ गया, नेगेटिव टर्मिनल, पी के साथ जब नेगेटिव टर्मिनल बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस, और इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। लेकिन हमारे पास सवाल ऐसे आते हैं कि इनमें छांट के बताओ ये रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस है, दो नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये है ग्राउंड का निशान, ठीक है, ग्राउंड का निशान होता है, आपने वोल्टेज जो है ना जीरो लेनी होती है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट चाबी देता हूँ आपको, एक चाबी ले लो, हर न्यूमेरिकल पे लगाओ, वो है वी पी माइनस वी एन, अगर पॉजिटिव आ जाए तो फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव आ जाए तो रिवर्स बायस, ये चाबी है। ठीक, अब तुम कहोगे सर लागू करके दिखाओ, एक के ऊपर एक ताला खोल के दिखाओ। देखो ये जो है ये पॉजिटिव है, त्रिभुज का मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ वी पी माइनस वी एन, सब कितने लिख दूँ, ये बात सो न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब सीखो पॉजिटिव के साथ जो वोल्टेज वो कितनी है, जीरो माइनस, और इसके साथ कितनी लिख रखी है, जो ऊपर वाला है इसके साथ लिख रखी है प्लस की दो वोल्ट, तो यहाँ पे प्लस की दो वोल्ट है, तो यहाँ पे लिखूँ माइनस तो है ही, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्लस का दो लिखूँ तो माइनस ही बन जाएगी, ऐसे समझ लो ये होगी।
तो अब उत्तर किस चीज़ का है? देखो उत्तर है माइनस का, और माइनस आ गई तो क्या होगी? रिवर्स वाइज। कितना सिंपल है। नेक्स्ट इसमें देखो वी पी, पी वाली कितनी है? प्लस की 7, माइनस फार्मूले में ही। ये कितनी है? प्लस की 5, तो 7 में से 5 गई, कितनी बच गई? 2। प्लस का है ना उत्तर, प्लस की प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो 4/22 है ना, आसान। देखो नेक्स्ट, ये ग्राउंड है, ग्राउंड दे रखा हो, ग्राउंड की 0 दे लेते हैं हम। धरती का जो पोटेंशियल है ना उसको हम 0 मानते हैं, होता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको हम 0 मानते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लागू करवाओ, पी के साथ देखो 0 माइनस, माइनस 10 वोल्ट, इसके अंदर भी माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या होगी? प्लस, उत्तर प्लस का आएगा तो कौन सी 22 आ गई? 4/22 आ गई। ये देखो ये वाला करवाओ, पेपर में कुछ भी ऐसे नाम लिख सके इनका, पी के साथ माइनस 10, माइनस फार्मूले में ये 0 होगी, ग्राउंड की 0 ले लो, तो उत्तर तो माइनस का है ना, देखो माइनस आ गया तो रिवर्स 22। लास्ट वाला और देख लो, पी की कितनी है? पी की है माइनस 12, माइनस फार्मूले में, और ये माइनस की 5, तो ये होगी 12 में से 12 और 5 होगी तो माइनस की 7 आओगी। दोनों माइनस दे रखी है इसमें, इसमें ये देखो जो हम गलती करके देखो, हमने ये वाली पी लिख दी थी, पी की तो ये वाली होती त्रिभुज की, तो त्रिभुज की है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 12, और अब माइनस माइनस क्या होगी? प्लस, तो उत्तर कितना आ जाएगा? प्लस के अंदर, और जब प्लस आएगी तो क्या आएगी? 4/22, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे, ऐसे कुछ भी आओ हमने कर लिया करो, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड की जगह 0 लिख दिया करो, ये न्यूमेरिकल सारे समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस यूनिट के अंदर एक एक दो दो नंबर के प्रश्न और देख लेते हैं। देखो पीएन जंक्शन कहो सी डायोड कहो, एक ही बात होता है, और इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। इसमें जो त्रिभुज है वो क्या है? पी, और जो ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये इसका सिंबल याद कर लेना, ये पीएन जंक्शन का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसी के अंदर आता है जिन्नर डायोड। जिन्नर डायोड को कैसे बना होगा? सेम ऐसा कैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा साथ ही बनाना है, साथ ही बनाएगा ना घर में, ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा घुमा देना है, ये हो गया जिंदर डायोड। जिंदर का मतलब होता है ऐसा डायोड जो कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करे। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होते हैं? 2 पीएन जंक्शन। इट हैज 2 पीएन जंक्शन, जंक्शन कहो डायोड कहो एक ही बात है, बैक टू बैक, यानी कमर लगा, कमर के कमर साथ। तो जैसे देखो अब ये हो गया पी एन, ये हो गया पी, तो देखो एक पी एन जंक्शन तो ये हो गया, और एक इधर ये हो गया, होगा ना 2 पी एन जंक्शन, दोनों आएगी बैक से बैक, देखो मिली हुई है। और एक और बनवा लो ऐसा ही, ये होगा एन पी एन, पी का तो ये पॉजिटिव बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, इसका भी इसके साथ बनाओ, ये पॉजिटिव डंडा ये छोटा डंडा, तो होगा ना पी एन पी एन। तो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर द रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई, और फॉरवर्ड बाइस टू रिवर्स बाइस। इनकी खासियत ये होगी ट्रांजिस्टर की, आगे वाला जो हिस्सा होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस मिलेगा, और पीछे का हिस्सा कैसा मिलेगा? रिवर्स बाइस, क्योंकि जो फॉरवर्ड बाइस होता है इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। तो ये डायग्राम होगा हमेशा याद करना, ये रूल है, ये रूल। इसके अंदर भी ये वाला आगे वाला क्या मिलेगा? फॉरवर्ड बाइस, पीछे वाला क्या मिलेगा? रिवर्स बाइस। ये इनकी बेसिक जानकारी है। अब कोई कहना ट्रांजिस्टर का सिंबल बना के दिखाओ, तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का बना दिया हमने, ये तो हो गया ऐसे ऐसे बनाओ सॉरी, एक तो बेस दिखाएंगे, इसमें बेस हो गया, और एक ऐसे लेके आना ही हूँ, ठीक। ये हमारा ये वाला ले रहे हैं पी एन पी, पी एन पी, इनके अंदर एक एरो का निशान और दिखाना है करंट का, जैसे पी एन पी को याद करने, जैसे पानी का होता है नीचे, पी एन पी का मतलब पानी टाइप समझ लो, पानी का होता है नीचे, तो नीचे दिखाना है। दूसरा होगा हमारा एन पी एन, एन पी एन, इसमें तीर का निशान ऊपर दिखाना है, ये दोनों के सिंबल होंगे,
ये एक एक दो दो नंबर में आओ, इनके सिंबल बना रही हो, ठीक है। ट्रांजिस्टर समझ में आ गई। इसके अंदर जो तीन लाइन है, जो नीचे वाली थी इसको हम बोलते हैं बेस, आधार है जिस पे ये टिका हुआ है, इसको हम बोलते हैं एमीटर और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। तीन लाइन होती है, इसमें से जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टर करंट, इसको एमीटर करंट, इसको हम बोलते हैं बेस करंट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ आई बी, इसको हम लिखेंगे आई सी और इसको हम लिखेंगे आई ई। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे, सेम वही काम है। उसके बाद आती है दो नंबर का इम्पोर्टेंट पर्सन है कि व्हाट इज़ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदल दे। एसी कौन सी होती है, जो ऐसे सांप की तरह चलती है और उसको डीसी में बदल दे सीधी, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ये भी दो प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक एक साइकिल ही रेक्टिफाई होगी, ये नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी, तो एक छोड़ एक हो रही है, इसलिए हम हाफ वेव बोलते हैं। इसके अंदर सारी हो रही है, ये भी होंगी, इनको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो बेसिक जानकारी दी है आपको, ये समझ में आ गई होंगी। इनको तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा जो अगला पर्सन है वो है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। इनकी हमने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इनकी दो करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो फोर्ड करेक्टरिस्टिक्स और एक रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों के मैंने नोट्स बना दिए यहाँ पे, ये दोनों के डायग्राम है, ये फॉरवर्ड का है, ये रिवर्स का है। देखो दोनों डायग्राम भी तो सेम ही है, बस सिर्फ बैटरी का कनेक्शन है। ये जो पी एन जंक्शन है इसका सिंबल होता है, जो त्रिभुज है ये पी का रोल करती है और ये जो डंडा है ये एन का रोल करता है। तो फोर्ड बायस तुम्हें याद है ही, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ हो, ठीक है, और जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलते हैं। तो उसके बाद ये लगा रखा है माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर हमेशा, एमीटर कोई सा भी हो वो हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरल में लगता है, क्योंकि पैरल के अंदर वोल्टेज नहीं बढ़ती, पूरा नापता है, और सीरीज के अंदर करंट नहीं बढ़ता, इसको पूरा नापता है, ठीक। ये जो दिखा है ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट की सप्लाई करना। ये बैटरी है, ये की है हमारी, ठीक है, सेम चीज़ इधर भी है। तो मैं आपके दिमाग में पहले एक कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि कैसे है, क्या है ये। इसके अंदर ये जो दो मीटर दिखाई दे रहे हैं ना, वी और एम में, इनके अंदर हमने कुछ रीडिंग नोट करनी होती है और एक ग्राफ खींचना होता है। इसका ग्राफ ऐसा आता है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, यही सारी बातें लिख रखी है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये कैसे क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये मीटर है, एक ये मीटर है, ठीक है, और ये जो मीटर दिखाई दे रखा है ऊपर लिख भी रखा है डायोड करैक्टरिस्टिक्स एपरेटस। इसको हम यहाँ से बिजली में लगाएंगे, ठीक है, और बिजली में लगाने के बाद इसको ऑन करेंगे। यहाँ से ऑन करोगे तो लाइट जल जाएगी। ये वही डायग्राम है देखो जो बना रखे हैं, ये हमारा डायोड है, ये पी एन जंक्शन डायोड, और ये एच टी लिख रखा है। एच टी का मतलब हाई टेंशन, हाई टेंशन का मतलब भी वोल्टेज ही होता है, और इधर से इनकी हम वैल्यू फिक्स ज़्यादा कम ज़्यादा करता है, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसे चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ करंट का मान देंगे, यहाँ पे वोल्टेज का मान देंगे, इनकी रीडिंग को एक कापी में नोट करेंगे और ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम अपनी क्लास में भी करेंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नोट करो, कापी में लिखते रहो और एक ग्राफ खींच दो, वही करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं अपना पर्सन। पर्सन के अंदर है, तो पहले पढ़ लेते हैं फोर्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा, और जैसे चाबी को ऑन करेंगे हम, की को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो इसके अंदर से करंट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सब कहीं से घूम फिर के करंट आएगा। कोई भी तार ऐसा मत दिखाना जो ढीला हो, पूरी सप्लाई होनी चाहिए, पूरा रास्ता चाहिए करंट को। तो अब देखो कैसे है, इसका जो पेपर में आए तो क्या लिखना है, तीन नंबर का आता है, ये स्पेशल है। द की के इज़ क्लोज्ड, ये जो हमारी की है इसको हमने क्लोज कर दिया। एंड फॉर स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज द क्रॉसपोंडिंग करंट इन द मिलीमीटर, मिली एमीटर आएगा, मिली एमीटर इज नोटेड। तो जो हमारा जो मीटर है ना उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं।
द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड इन स्टेप्स एंड द क्रॉसपोंडिंग करंट्स आर नोटेड. बहुत ही आसान है बहुत, कि खाली उनके मान नोट करते रहो. द ग्राफ इज प्लॉटेड, हमने ग्राफ भी खींच दिया. एंड द क्रॉसपोंडिंग करंट, किस किस के बीच में ग्राफ, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में. ग्राफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इट इज़ फाउंड दैट बियॉन्ड वी बराबर वी के. देखो ये जैसे बढ़ती गई करंट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर होता गया देखो यूँ, लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आई उसके बाद करंट जो है ना ऐसे यूँ जाना चाहिए था, लेकिन करंट एकदम बढ़ गया ऊपर. इस वोल्टेज जैसे इस जिसके बाद हमारा जो फॉरवर्ड करंट था एकदम बढ़ गया, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, नी के डबल के एन डबल ई नी वोल्टेज आती है. और इधर जो आती है ना उसको हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज. दोनों में अलग अलग नाम दे रखे. इट इज़ फाउंड दैट बियॉन्ड वी बराबर वी के, यानी कि वी बराबर वी के, इससे आगे क्या हुआ देखो, उसको हम बोलेंगे नी वोल्टेज. कंडक्टिविटी ऑफ डायोड इज हाई, इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द डायोड इज क्वाइट ओवरकम. जो पोटेंशियल बैरियर था ना वो बहुत ही कम हो गया, यानी कि जो हमारे विरोध कर रहा था ऊपर जो बना था वो कम हो गया, और करंट जो है एकदम रैपिडली इंक्रीज होगा. शायद समझ में आ गई होगी. इधर देखो भाई रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, खाली बस ये कनेक्शन उल्टे करने. रिवर्स बाइस में यहाँ पे नेगेटिव होता है पी के साथ, ये पी एन जंक्शन का सिंबल है. पहले हम ऐसे डब्बा सा बनाते थे यूँ, लेकिन अब इसको ऐसे बना देते हैं, एक ही बात है. ये पी हो गया, ये एन हो गया, पी एन हो जाओ शुरू भाई. आफ्टर क्लोजिंग द की के, जैसे ही चाबी को हम ऑन करते हैं, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द जंक्शन एंड क्रॉसपोंडिंग वेरी स्मॉल करंट इन द माइक्रो एमीटर इज नोटेड. जो हमारी जो दो सुई हैं इनके अंदर हम करंट को नोट कर लेंगे, कॉपी में लिखेंगे. उसके बाद रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं स्टेप्स के अंदर. स्टेप्स का मतलब जैसे 2, 2.5, 3 ऐसे. क्रॉसपोंडिंग करंट्स आर नोटेड. ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द रिवर्स बाइस वोल्टेज एंड द क्रॉसपोंडिंग करंट. अब ग्राफ से हमें क्या सीखा देखो, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते गए यूँ, रिवर्स का मतलब उल्टी साइड में देखो यूँ, तो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आई जिसके ऊपर करंट एकदम बढ़ गया. समझ गया, करंट कैसे बढ़ गया देखो, इसका मान थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा मान से है, लेकिन उरे जाके एकदम बढ़ गया करंट. तो वो क्यों बढ़ा है उसका एक सिर्फ रीज़न लिखना है. द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज. जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो रिवर्स बाइस के अंदर बड़ा हो जाता है, यानी उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो एंड करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड द पार्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड जीनर डायोड ओबीडेस कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड करंट इंक्रीजेज एब्रूटली. देखो उसका जो रेजिस्टेंस बढ़ गया उसके अंदर क्या हुआ, फिर जो कोवलेंट्स बॉन्ड है वो सारी की सारी टूट गई. और जब कोवलेंट बॉन्ड टूटती है तो क्या फ्री होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है. और जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो वो करंट को अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं, और करंट इंक्रीजेज एब्रूटली. तो ये भी समझ में आ गया. तो ये तीन नंबर में कभी ये आता है कभी ये आता है, इनके डायग्राम बना लो अच्छी तरह. तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया हो. थैंक्स, हैव ए गुड डे.